तो गाइस सबसे पहले हमें चाहिए 5 टमाटर, इनको अच्छे से धो लिया मैंने। साथ में हमें चाहिए कुछ 6 से 7 काजू, और हमें चाहिए अदरक आधा पीस, 3 से 4 हमें ये सूखी लाल मिर्च चाहिए, 3-4 तेज पत्ते चाहिए, और ये 2-3 मैंने लौंग रखी हैं, और ये 2 बड़ी इलायची, 2 हरी मिर्च, 2 छोटी इलायची, और ये साथ में दालचीनी है। तो गाइस इनको मैंने एक ऐसे पतीली के अंदर डाल लिया, और इसमें पानी डाल लिया मैंने जितने में ये डूब गए। काट के टमाटर डाल लिए मैंने, बाकी सारे ऐसे ही साबुत। तो इनको हम उबाल लेंगे। तो इनको मैंने उबाल लिया अच्छे से, और अभी मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ कि कैसे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं, और धुआं नहीं कर रहा है, अभी भी गर्म पड़ा है पानी हमारा। तो अब इनको हम एक मिक्सी के जार में ऐसे ग्राइंड कर लेंगे। तो जब तक इसकी ये फाइन नहीं हो जाता, मतलब एकदम बारीक नहीं हो जाता, तब तक इसको हमें ग्राइंड करना है। तो गाइस अब एक मैंने ऐसी कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 2 बड़े चम्मच देसी घी के डालूंगा मैं, और अब हम इसके अंदर अपनी जो प्यूरी बनाई थी हमने इसको डाल देंगे। इसको प्यूरी को पहले हमें एक छाननी के अंदर छान लेना, उसके बाद डालना है। तो डोंगे में जिसमें से हमने इसको डाला कढ़ाई के अंदर, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने दोबारा डाल दिया, ताकि जो लगा हो उसके अंदर वो भी निकल जाए आराम से। तो हमें इसमें डालना है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, और स्वाद अनुसार आप अपना लाल मिर्ची पाउडर डालें या फिर देगी मिर्च। गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डालेंगे हम, 1-1.5 चम्मच। बाकी अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है, जैसे हम शाही पनीर बनाते हैं बिल्कुल वैसी ग्रेवी बनती है इसकी भी। तो ये वीडियो डबल होगी, मतलब आपको ये शाही पनीर और कहते हैं अपनी दाल के लिए भी हो सकता है, दोनों में ये सेम रेसिपी चलेगी आपकी। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। तो अभी आप देख सकते हैं बॉईल हो चुका है काफी, तो इसके अंदर बटर का पीस डाल दिया है ना, जो मार्केट से सोल्टेड बटर मिलता है वो वाला डाला मैंने, इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। देख सकते हैं जितने भी रेस्टोरेंट है उनमें भी ये बटर ही डलता है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करें, और आप देख सकते हैं हमारी कितनी गाढ़ी हो चुकी है ग्रेवी, और हमें गाढ़ी चाहिए। थोड़ा मटर और डाल देते हैं, जिसके लिए आपको अपनी दाल को नॉर्मली उबाल लेना है जैसे आप नॉर्मल दाल बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद हम ये जो हम बना रहे हैं ग्रेवी, इसको हम उसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से बॉईल आ रहा है, और अभी इसके ऊपर थोड़ी झाग है तो यानी अभी नहीं पका है। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, मतलब थोड़ा नहीं कह सकते, गाढ़ा हो चुका है काफ़ी, और ये कंसिस्टेंसी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम, मैंने फ्रेश क्रीम डाली है 2 से 3 चम्मच, और ये मेन इंग्रेडिएंट होता है दाल मखनी का,
और आप देख सकते कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसको। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से। और मसालों की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है पकने की। अब इसमें हमने साबुत मसाले यूज़ कर रहे हैं, पर हमने उनको ग्राइंड करके यूज़ करा है, हमने फ्राई वाला सिस्टम नहीं रखा, उनको बॉईल करा पहले हमने, फिर उसके बाद ग्राइंडर में हमने उसको ग्राइंड कर लिया। अब देख सकते हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो इसको एक बार ऐसे मिक्स करते रहेंगे हम। तो थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो इसको हम गैस से उतार लेंगे, उतार के साइड में रख लेंगे हम इसको। और आप देख सकते हैं ये मैंने दाल को उबाल चुका हूँ पहले, जैसे हम नॉर्मल दाल बनाने के लिए उबालते हैं उसको। और अब इस स्टेप में जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे कुकर में अपने, या जिस भी बर्तन में आपने दाल उबाल के रखी है। और देखिए अभी दाल में और कुछ भी नहीं करा, बस उसको उबाल लिया है मैंने, तो हम इसके अंदर डाल लेंगे अपना जो हमने ग्रेवी बनाई थी, इसको मिक्स करेंगे। और आप देखना क्या कलर आएगा इसका, जो एकदम रेस्टोरेंट में होता है, तो आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला कलर हो चुका है, और टेस्ट रेस्टोरेंट से भी कई गुना ज़्यादा आपको निकल के आएगा इसके अंदर से, और खा के आपको मतलब बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, इतना टेस्टी बनेगी आपकी दाल दाल मखनी बेसिकली। और अब इसमें पानी डाल लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, ताकि दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो जाए, पहले दाल काफ़ी गाढ़ी थी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कंसिस्टेंसी, आप पे डिपेंड करती है बिल्कुल ही। तो अभी इसके नीचे गैस जलाएंगे हम और इसको भून देंगे थोड़ी देर। तो गाइस अब आप देख सकते हैं हमारी दाल मखनी बिल्कुल तैयार है, मैंने इसके ऊपर क्रीम से थोड़ी गार्निशिंग करी है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।